खबर हिमाचल के साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करना और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर हिमाचल आपका अपना चैनल, हर खबर पहुंचाए आप तक। उपमंडल देहरा में आज आंधी और बारिश की वजह से सब्जियों की फसल हुई खराब, किसान हुए परेशान। बारिश ने भिंडी, करेले, बैंगन, लौकी, मीटर फली एवं खीरे की फसल को किया खराब। गाट दिनों बारिश से गेहूं की फसल भी हो चुकी है बर्बाद, किसानों को पड़ी दोहरी मार। रविवार को सुबह उपमंडल देहरा में अचानक अंधेरा छा गया, तेज आंधी के साथ बारिश ने किसानों की धड़कन रोक दी। लगातार कुदरत की मार झेल रहे किसानों पर यह बारिश बची कुछ ही उम्मीदों पर तुषारपात जैसी थी। एक तो वैसे ही कोरोना बीमारी की वजह से किसानों की कमर टूट गई है, ऊपर से बारिश ने आज किसानों को और परेशान कर दिया। जिला कांगड़ा के निचले क्षेत्रों में गत दिनों गेहूं की कटाई एवं थ्रेशिंग के समय बारिश ने फसल बर्बाद कर दी थी। खेतों में राखी फसल पानी की वजह से खराब हो गई थी। खेतों में गेहूं की पकी फसल काटने के साथ थ्रेशिंग का कार्य भी रोकना पड़ा था। आज सुबह हुई बारिश से गेहूं की फसल के बाद बीज जग गई सब्जियां पर मार पड़ी है। बारिश से भिंडी, बैंगन, लौकी, करेले, मीटर फली एवं खीरे की फसल को कई जगह नुकसान पहुंचा है। बादलों की घेराबंदी के बावजूद दो दिन से मौसम गर्म बना हुआ था। उपमंडल देहरा में शनिवार को अधिकतम तापमान होने की वजह से मौसम गर्म रहा। आज सुबह तेज आंधी आने से चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ ही देर बाद तेज आंधी के साथ जोर से बारिश शुरू हो गई। देहरा के क्षेत्रों में करीब 20 मिनट तक बारिश हुई। तापमान गिरने से लोगों को राहत मिली, मगर आंधी से विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ देहरा से गुलशन धनोआ की रिपोर्ट। काफी तूफान पड़ा है, उससे सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है, जैसे भिंडी है, लौकी है, खीरा है, बैंगन है, करेले और संतरे वगैरह जो है वो तूफान से ढह गए हैं हमारे संतरे, और इसका जो काफी नुकसान हुआ है। बस पहले तो फसल पर हमारे बहुत मार पड़ी थी, बारिश की वजह से आधी फसल तो हमारी ऐसे बर्बाद हो गई। उसके बाद अभी ये तूफान वगैरह चले हैं, इनकी सब्जियों पर हमारे को बहुत असर पड़ रहा है। सब्जियां जो है, एक तो आजकल कीट अनुभव तो उनको हम बार बार स्प्रे करते हैं, और उसके बाद तूफान की वजह से सब बर्बाद हो रहा है। फसल के साथ साथ ये सब्जियां भी तकरीबन 80% हमारी बर्बाद हो चुकी है।